सो गाइज आप देख सकते हो ये हमारी एक्चुअल एंट्री है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पूरा 32 एकर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल टॉवर आ रहे हैं 12 और आप देख सकते हो यहाँ पे लोग ऑलरेडी रहने के लिए आ गए हैं। सो हमारा फर्स्ट फेज ऑलरेडी डिलीवर्ड हो गया है गाइस। सो हमारी ओसी आ चुकी है और हमने पजेशन दे दिया है। सो आइए मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाती हूँ और हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 7 वंडर्स रेडी हो गए हैं। सो मैं आपको 7 वंडर्स दिखाती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हमने शॉप्स दिया है। ये लाइन से काफ़ी सारी शॉप्स रहेगी जिसमें आपका डेली बेसिस का जो भी सामान रहेगा वो सारी चीज़ें आपको शॉप के अंदर मिल जाएगा। ग्रॉसरी से लेके हर एक चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्डिंग के नीचे हमने शॉप्स दिया हुआ है, कमर्शियल शॉप्स दिया हुआ है। सो गाइज चलिए मैं आपको मेन एंट्री दिखाती हूँ हमारे एक्रोपोलिस टॉवर का। सो आइए तो आप देख सकते हो ये हमारा एंट्रेंस रहेगा। यहाँ पे रहने वाला है रिसेप्शन, आपके बिल्डिंग का रिसेप्शन। तो हर एक बिल्डिंग का हमने लॉबी अलग से दिया हुआ है। सो उसमें आपको सिटिंग आउट एरिया, आपका रिसेप्शन, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो आप देख सकते हो सिटिंग आउट एरिया, यहाँ पे आपके जो भी गेस्ट होंगे यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी लग्जूरियस है। सो गाइस अगर आप पैसेज की बात करोगे तो आप देख सकते हो ये काफ़ी लंबा सा हमारा पैसेज रहने वाला है जिसमें आपको टोटल 3 लिफ्ट मिलने वाला है गाइस, हर एक बिल्डिंग में। सो ऐसे हमारे लिफ्ट आने वाले हैं। ओके सचिन ने भेजा था। सो गाइस चलिए मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाती हूँ। सो मैं आपको 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाने वाली हूँ जिसका कार्पेट एरिया है 1200 स्क्वायर फीट। सो ये आपका रेरा कार्पेट रहने वाला है गाइस। सो ये आप देख सकते हो ये हमारा हॉल रहेगा एंड विच इज़ रियली स्पेशियस। और आप देख सकते हो ये आपको एरिया मिलने वाला है। सो एज एन बैल्कनी आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस हॉल में। और गाइज आप नीचे का एरिया देख सकते हो, इसको आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। नीचे पूरा आप स्टोरेज बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हॉल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज आपको हॉल में वॉलपेपर मिलने वाला है। सो हॉल में वॉलपेपर आपको डेवलपर की तरफ से मिलने वाला है। सो आपका वो काफ़ी अच्छा आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। तो ये रहने वाला है आपका किचन गाइस, आप देख सकते हो ये आपका एल शेप में किचन आपको मिलेगा। सो हमारी तरफ से आपको गैस एंड चिमनी मिलने वाला है और पूरे किचन में फुल टाइल्स आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हो। और उसके साथ में आपको अटैच मिलेगा ड्राई स्पेस, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा ड्राई स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस है। सो यहाँ पे आप आराम से अपना वॉशिंग मशीन अरेंज कर सकते हो ये साइड में, और गार्बेज के लिए यहाँ पे आप स्टोरेज बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो यहाँ पे ऑलरेडी लाइट एंड पानी का कनेक्शन दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन अरेंज कर सकते हो गाइस। गाइज ये साइड का जो स्पेस है ये आप डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे किचन के एग्जैक्ट ये साइड में आप अपना डाइनिंग अरेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आगे की तरफ हम आते हैं। सो ये साइड में है बेडरूम, कॉमन बेडरूम 3 BHK का। सो आप देख सकते हो ये आपका कॉमन बेडरूम है, आप अपने हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। सो काफ़ी बड़ा बेडरूम है, आप आराम से किंग साइज़ का बेड यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। उसके बाद में भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा गाइज। सो आपके 2 बेडरूम से अटैच ये पूरी बैल्कनी रहेगी गाइज, ये बहुत लंबा सा आपको बैल्कनी मिलने वाला है, काफ़ी स्पेशियस। और आप व्यू देख सकते हो, आपके हिसाब से आप व्यू चूज़ कर सकते हो गाइज, सो विच इज़ रियली गुड, सीरियसली ऑसम है ये फ्लैट। और आप देख सकते हो वॉशरूम कॉमन बेडरूम के सामने एग्जैक्ट आपको वॉशरूम मिलने वाला है। तो ये आपका वॉशरूम रहेगा, वॉशरूम में आपको सारे फिटिंग्स जो भी मिलने वाले हैं वो सारे ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगे। यहाँ पे आपको मिरर मिलने वाला है डेवलपर की तरफ से। और ये रहेगा आपका बाथ का एरिया गाइस।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी ग्लास फसाड लगा हुआ है और ये साइड में आपका बाथ बना हुआ है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कुछ भी आपको इंटीरियर करवाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से वॉशरूम के अंदर। और आप आगे की साइड में देखोगे यहाँ पे भी आपको बेसिन लगा के विथ मिरर के साथ में आपको दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा आपका कॉस्ट कटिंग होता है गाइस इंटीरियर का। तो आप ये देखोगे ये भी आपका मास्टर बेडरूम है 3 BHK का विथ अटैच वॉशरूम। और आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप देखोगे तो इसका कार्पेट एरिया बेडरूम का आराम से आपको 12x12 का आपको बेडरूम मिलने वाला है गाइस। तो ये काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। और ये आपका अटैच वॉशरूम रहेगा। आप देख सकते हो अगेन सारे फिटिंग्स जो भी रहेंगे वो सारे जयवार के रहेंगे और वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है गाइस। अगेन यहाँ पे ग्लास फसाड लगाया गया है। सो ये ग्लास फसाड लगा के आप अपने लिए आराम से, ये हम आपको करके देने वाले हैं। सो ऐसा आप अपना आपका बाथ रहने वाला है सेम टू सेम। सो गाइस चलिए मैं आपको तीसरा बेडरूम दिखाती हूँ 3 BHK का। ये भी अगेन अटैच विथ वॉशरूम रहने वाला है और आप देख सकते हो कि वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है गाइस। अगेन बाथ के लिए अलग से अरेंजमेंट है और ये आपका वॉशरूम रहने वाला है। और आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गीज़र के साथ में आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है। सो डेवलपर की तरफ से आपको गीज़र मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। और ये गाइस आपका बेडरूम रहने वाला है 3rd bedroom विच इज़ रियली स्पेशियस। अगेन आप आराम से अपना किंग साइज़ का बेड अरेंज करो, आप अपना अलमीरा अरेंज करो और उसके बाद भी आप स्टडी रूम बना सकते हो। हर एक रूम में आप स्टडी के लिए अलग से आप बना सकते हो, इतना बड़ा बेडरूम है। सो तीनों बेडरूम काफ़ी स्पेशियस है गाइस। और आप देख सकते हो ये अगेन आपको ये स्टोरेज मिलने वाला है। आप एरिया एज नीच एरिया आप यूज़ कर सकते हो, सिटिंग के लिए आप काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट बना सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो विच इज़ रियली गुड। और अगेन आप नीचे अपने लिए स्टोरेज बना सकते हो गाइस पूरा। सीरियसली मुझे 3 BHK फ्लैट काफ़ी पसंद आया। और आप देख सकते हो लोग ऑलरेडी रहने के लिए आ चुके हैं बिल्डिंग में। सो आपको रेडी टू मूव इन घर मिल जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 BHK इधर 2 BHK। गाइस चलिए मैं आपको 2 BHK का हमारा एक्चुअल फ्लैट दिखाती हूँ जिसका कार्पेट एरिया है 913 square feet। तो आप देख सकते हो ये हमारा हॉल रहने वाला है और हॉल काफ़ी स्पेशियस है गाइस। एल शेप में आपको हॉल मिलने वाला है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था आपको हॉल के वॉल पे, एक वॉल पे आपको हम वॉलपेपर करके देने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये आपका रहेगा बालकनी, अटैच बालकनी रहने वाली है। और अगर इसकी फेसिंग की बात करोगे गाइस तो ये हाईवे फेसिंग है, दिस इज़ जयंतिटी हाईवे। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रेडी टू मूव इन अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। फेसिंग भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो गाइस। तो आप देख सकते हो हॉल काफ़ी बड़ा है, एल शेप में है। ये साइड में किचन है और किचन के एग्जैक्ट साइड में सामने आप अपना डाइनिंग अरेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आइए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। किचन भी आप देख सकते हो, हमने फ्रिज के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है आपको किचन के अंदर। और दोनों साइड में प्लेटफॉर्म रहने वाला है फॉर 2 BHK। सो ये साइड में आपका सर्विस प्लेटफॉर्म रहेगा और ये साइड में मेन प्लेटफॉर्म रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था आपको गैस एंड चिमनी आपको डेवलपर की तरफ से मिलने वाला है। प्लस ये आपका रहेगा सिंक। और ये साइड में आप देखोगे तो प्योरीफायर आपको मिलने वाला है डेवलपर की तरफ से। अगेन आपको किचन में ड्राई स्पेस मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन अरेंज कर सकते हो। सो ये स्पेस वॉशिंग मशीन के लिए काफ़ी अच्छा है गाइस। यहाँ पे लाइट एंड पानी का कनेक्शन दिया हुआ है। अगेन ये फ्लैट जो रहने वाला है, ये पूरा इसका जो फेसिंग रहने वाला है ये पूरा हाईवे फेसिंग रहने वाला है। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो यहाँ से माउंटेन भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। सो बारिश के टाइम में काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है। सो आप देख सकते हो गाइज आगे की तरफ हम आते हैं। सो ये साइड में कॉमन वॉशरूम रहेगा, आप देख सकते हो ये आपका कॉमन वॉशरूम है। अगेन आपको मिरर मिलने वाला है विद सिंक। और ये साइड में हमने ग्लास फसाड लगा के दिया है आपको फॉर योर बाथ एरिया।
तो अगर आप दूसरे डेवलपर की बात करोगे गाइस, तो ये बात वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, ये आपको खुद बनवाना होता है, बट आपको पैराडाइज बना के दे रहा है। तो यहाँ पे ग्लास फसाड लगा रहेगा, आपका कॉस्ट कटिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा इंटीरियर में गाइस। तो आप आगे की तरफ आओगे, ये साइड में कॉमन सिंक रहेगा, यहाँ पे भी अगेन हम मिरर लगा के दे रहे हैं, और ये रहेगा आपका कॉमन बेडरूम गाइस। तो आप देख सकते हो ये 2 BHK का कॉमन बेडरूम है, इधर आप इसे किड्स बेडरूम बोल सकते हो, बट विच इज़ रियली स्पेशियस। आप आराम से यहाँ पे मास्टर बेडरूम कॉमन बेडरूम में आप आराम से किंग साइज का बेड डाल सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि ये किड्स बेडरूम है या कॉमन बेडरूम है, सो ये छोटा है, ये काफ़ी स्पेशियस है। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पे वॉल जो आप अरेंज कर सकते हो, आप बेड अरेंज कर सकते हो, और अटैच बैल्कनी के साथ में है गाइस। तो आप बैल्कनी देख सकते हो, बैल्कनी काफ़ी स्पेशियस है, और अगेन आपको पूरा जो फेसिंग मिल रहा है, पूरा हाईवे का फेसिंग मिल रहा है गाइस। सो गाइस ये आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है अटैच वॉशरूम के साथ में। सो आइए मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। अगेन आप देख सकते हो वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है, जो भी फिटिंग्स है सारी फिटिंग्स आपको ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाली है। फुल आपको वॉशरूम में टाइल्स मिलने वाला है, कोई भी BHK आप चूज़ करो। और आप देख सकते हो ये अगेन ग्लास फसाड लगा के आपके लिए बाथ के लिए अरेंजमेंट दिया गया है। तो आप देख सकते हो गाइस ये वुडन का पूरा फ्लोरिंग रहने वाला है आपके बेडरूम में, और जैसा मैंने आपको बताया था अगेन आपको इसमें ये मिलने वाला है। सो आप इसे एज अ बालकनी आप यूज़ कर सकते हो, एज अ सिटिंग आउट एरिया आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आप सिटिंग आउट एरिया बना सकते हो अपने लिए। सो अगर मैं बेडरूम के साइज़ की बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ा है, आराम से ये 12x12 का बेडरूम है ये आपका मास्टर बेडरूम, और यहाँ पे आप स्टोरेज बना सकते हो अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप स्टोरेज बना सकते हो नीचे के साइड में। अगेन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे किंग साइज बेड लगा सकते हो, आप वॉल ड्रॉप बना सकते हो। बेडरूम काफ़ी स्पेशियस है, तो आपके हिसाब से आप जैसे चेक करना चाहो वैसे डेकोरेशन कर सकते हो। अगेन आप हर एक रूम में स्टडी रूम बना सकते हो या फिर ऑफिस रूम बना सकते हो, ऑफिस के लिए अलग से मतलब स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो अपने बेडरूम में, इतना स्पेस है। डन, चलो। सो गाइज अगर आप जोड़ी फ्लैट लेना चाहते हो 2 BHK का, तो आप जोड़ी फ्लैट परचेज कर सकते हो, तो ये पूरा जो स्पेस है ये आपको मिल जाएगा गाइज। तो यहाँ पे आप आराम से एक हॉल बना सकते हो, सिटिंग आउट एरिया बना सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आपने एक फ्लैट भी परचेज किया तो भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा आपके फ्लैट के बाहर। सो अगर आप पैसेज की बात करो तो पैसेज बहुत स्पेशियस है गाइज, आप देख सकते हो। आप आराम से कोई पार्टी फंक्शन, आप अपने छोटी मोटी पार्टी है तो अपने फ्लोर पर ही सकते हो, इतना स्पेशियस है। सो गाइज आप देख सकते हो, मैं आपको सैंपल के लिए दिखाती हूँ। 2 BHK का फ्लैट परचेज करके आप सेम ऐसा एंट्री आप अपने हिसाब से आप बनवा सकते हो। सो गाइज चलिए मैं आपको सारे अमेनिटीज दिखाती हूँ हमारे। गाइज आप देख सकते हो हमारा स्विमिंग पूल ऑलरेडी रेडी हो चुका है, एंड ये आराम से काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है गाइज। हाँ चलो ना पूरा। सो गाइज आप देख सकते हो ये हमारा स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है, और ये काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, आराम से ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है। डन, चलिए आपके चेंजिंग रूम रहने वाले हैं। सो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शॉवर, स्टीम बाथ, मसाज रूम, वॉशरूम, सो ये सारी चीज़ें आपका अंदर रहने वाला है। सो गाइज आप देख सकते हो हमारा गार्डन ऑलरेडी रेडी हो गया है, यहाँ पे आराम से बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट दिया गया है उनके खेलने के लिए। सो गाइज आप देख सकते हो हमारा टेनिस कोर्ट ऑलरेडी रेडी हो गया है प्रोजेक्ट के अंदर,
ये सारी चीज़ें पोडियम पे ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। सो गाइस चलिए मैं आपको इंडोर गेम्स दिखाती हूँ हमारे प्रोजेक्ट का। सो आप देख सकते हो ये हमारा इंडोर गेम्स एरिया है। चलिए मैं आपको जिम दिखाती हूँ हमारा। सो गाइस आप देख सकते हो दिस इज आवर जिम, और जिम में ये साइड में आप देखोगे तो ये वॉशरूम है और आपका चेंजिंग रूम रहने वाला है। सो आप देख सकते हो सारे ही इक्विपमेंट ऑलरेडी आ चुका है जिम के अंदर। देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है आपका जिम, काफ़ी बड़ा रहने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हो ये आपका सिटिंग आउट एरिया रहने वाला है, और यहाँ पे हवा का वेंटिलेशन काफी अच्छा है। यहाँ पे आप आके इवनिंग में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ में। तो ये G+27 स्टोरेज है, और इसमें हमारा बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 हमारा पार्किंग रहेगा, ग्राउंड फ्लोर हमारा पार्किंग रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पार्किंग रहेगा, सेकंड फ्लोर पे पोडियम पे हम सारे अमेनिटीज दे रहे हैं, और थर्ड फ्लोर से हमारा रेसिडेंस स्टार्ट होगा गाइस। और ये लाइन से पूरा आपको शॉप्स मिलने वाला है, कमर्शियल शॉप्स बिल्डिंग के नीचे। बताती हूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 7 वंडर्स, वर्ल्ड के 7 वंडर्स आपको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाले हैं गाइस। सो आप मेरे सामने देख सकते हो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। सो आइए मैं आपको टेंपल दिखाती हूँ हमारा। प्रोजेक्ट का नाम है साई वर्ल्ड सिटी। सो प्रोजेक्ट के अंदर अगर साई भगवान का मंदिर ना हुआ तो क्या हुआ, आप देख सकते हो हमने साई बाबा का मंदिर बनाया है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में रहते हो तो आप आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। ये है हमारा दूसरा वंडर जो कि पेरिस में है, आईफिल टावर। प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रेडी हो चुका है। सो गाइस ये हमारा क्लब वेगा है। सो ये क्लब हाउस अगर आप देखोगे तो G+5 स्टोरेज का आपको क्लब हाउस मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको सारे ही अमेनिटीज मिलने वाला है गाइस। हर एक चीज आपको हमारे क्लब हाउस के अंदर मिलेगा, प्लस आपके पोडियम पे भी आपको सारे अमेनिटीज मिलने वाली है। सो आप नीचे उतरिए और अमेनिटीज इंजॉय कीजिए गाइस। सो अगर आप देखोगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये मेगा टाउनशिप है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव इन, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। ऑल्सो गाइस अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 90 लाख से 2 BHK स्टार्ट है, हमारे पास में 1.5 CR तक के हमारे पास में 2 BHK मिलेंगे, और 3 BHK अगर आप देखोगे तो 160 से हमारे पास में स्टार्ट है, और हमारे पास में 170-180 तक के आपको 3 BHK मिलेंगे। ऑल्सो हमारे पास में 4 BHK भी अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, तो आपको सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे।
देखोगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट 32 एकर्स का है, और अगर आप ओपन स्पेस की बात करोगे तो 50% लैंड हमने ओपन रखा है फॉर द एमेनिटीज और आपका ओपन स्पेस के लिए। सो बिल्डिंग काफ़ी पास पास में नहीं होने वाला है, काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है ये प्रोजेक्ट। सो मुझे तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमें और साइट विजिट कीजिए। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा साई वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट, प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको साइट विजिट करना है तो स्क्रीन पे हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है, आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपके लिए पिकअप एंड ड्रॉप अरेंज कर देंगे। सो गाइस, प्लीज़ आप साइट विजिट कीजिए और हमारे प्रोजेक्ट को एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू सो मच।